हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं गाजर का हलवा, बिल्कुल पार्टियों के जैसे। तो आप इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। पहले हम 6 गाजर को अच्छी तरह धुलकर छील लेंगे। फिर इसे छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। उसके बाद कुकर को गर्म करना है और फिर उसमें एक छोटे बाउल से घी डालेंगे। घी के गर्म होने के बाद उसमें ड्राई फ्रूट्स को हल्का फ्राई कर लेंगे। इसे मध्यम आंच पे हल्का ब्राउन होने तक फ्राई करनी है। ड्राई फ्रूट्स को निकालने के बाद उसमें कटे हुए गाजर को डालना है और उसे मीडियम फ्लेम पर पकाएं। फिर इसमें डालिए 2 छोटी इलायची, 1 चुटकी केसर, 1 छोटी कटोरी मलाई। फिर इसे अच्छी तरह मिलाइए। छोटी कटोरी दूध डालकर अच्छी तरह मिला लें और कुकर का ढक्कन लगा दें। मध्यम आंच पर 4 सीटी आने तक इंतजार करें। चार सीटी लगने के बाद ढक्कन खोलकर पके हुए गाजर को अच्छी तरह क्रश कर लीजिए। दो मिनट फ्राई करने के बाद उसमें एक छोटी कटोरी चीनी डालकर भून ले। फिर उसमें ड्राई फ्रूट्स और पनीर क्रम्स को डालकर 2 मिनट अच्छी तरह फ्राई कर लीजिए। अब ये बिल्कुल ही तैयार है। तो देखिए, इसकी खुशबू और रंग को देखकर ही पता चल रहा है कि ये कितनी टेस्टी बनी है। तो आप भी इसे जरूर बनाएं और हाँ, लास्ट में इसे ड्राई फ्रूट से सजाना ना भूलें।